नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो मैंने आपके सामने सीडलिंग ट्रे में जो रखे हुए हैं, उसको आपको याद होगा मैंने चिल्ली का सीड आपसे शेयर किया था, लगा कर दिखाया था। एक सप्ताह हो गए और इसके प्लांट इस तरह के निकले हैं। अभी कुछ छोटे छोटे निकल भी रहे हैं और कुछ इतने बड़े निकल गए हैं। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात और शेयर कर दूँ कि अभी भी ये यहाँ से हटाने लायक नहीं हुए हैं, थोड़े से और बड़े हो जाएंगे। अभी आपको नज़र आ रही होगी, इसमें दो पत्ते दिखाई दे रहे होंगे। जब इसमें चार पत्ते आ जाए तभी ही आप इसको हटाएं। इससे पहले इसको खेत में या कहीं दूसरी जगह ले जाने की कोशिश ना करें। दोस्तों, आज जो मैं आपसे वीडियो दिखाने जा रही हूँ, शेयर करने जा रही हूँ, वह है ये आप पौधा देख रहे होंगे, शायद पहचान भी रहे होंगे, स्ट्रिंग ऑफ बनाना। इसी का ये प्लांट है और ये मुझे अभी मिला है और इसी को मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे रूट भी निकले हुए हैं, यहाँ पर इसके रूट भी हैं और भी इसके जगह जगह पर रूट आ रहे होंगे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा है। इसका नाम के पीछे, बनाना होने के पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बनावट जो होती है वो बनाना के जैसी होती है, इसीलिए शायद इसका नाम ऐसा रखा गया होगा। और फ्लावरिंग प्लांट न होते हुए भी ये इतना खूबसूरत लगता है, खासकर हैंगिंग पॉट में ये बहुत ही बेहतर लगता है। तो इसके लिए मैंने आपसे शेयर कर देनी है कि यहाँ आप साथ ही आप देख रहे होंगे इसमें से एक लीफ मेरे टूट कर गिर गए हैं, तो ये लीफ से भी ग्रो कर जाता है, इसको भी लगा देने से इसमें रूट बन जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने एक हैंगिंग पॉट रखे हुए हैं और हैंगिंग पॉट में यहाँ जो सॉयल मैंने रखी है इसको आपसे शेयर कर दूँ। इसमें मैंने कोकोपीट डाले हुए हैं और इसमें 40% रखो कि इसमें मैंने कोकोपीट डाले हैं और इसमें 20% मैंने सैंड डाले हुए हैं और 20% इसमें मैंने काऊ डंग डाल दिए हैं। कॉम्बिनेशन में, इसकी कॉम्बिनेशन बनाने में आप कैक्टस वाली सॉइल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी सकुलेंट है और सकुलेंट के जैसा इसमें भी पानी रुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, यह एक ऐसा प्लांट है जो आप जब भी चाहो लगा सकते हो, इसकी कटिंग जब भी चाहो लगा सकते हो, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। अब इसमें जो मैंने सॉइल भर दी है वो एक तरह से आप समझ लो कि वो वाली सॉइल ही है जो सकुलेंट के लिए हम लोग बनाते हैं, कैक्टस के लिए बनाते हैं। अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल होनी चाहिए, बस इतना ही करना है। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई आपको परेशानी इसमें नहीं होगी। क्योंकि इसमें रूट निकले हुए हैं इसलिए मैं इसके रूट को डिस्टर्ब नहीं करते हुए लगाऊंगी, लेकिन इतने बड़े मुझे रखने भी नहीं हैं इसलिए मैं यहाँ से इसको कट कर देती हूँ और इसको कट करके मैं फिर इसको लगा दूंगी दूसरी जगह या इसी में लगा देती हूँ। तो इसको इस तरह से ये हैंगिंग पॉट में रहेगा तो ये बेहतर लगेगा, इस तरह से खूबसूरत लगेगा ये। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपसे बात कर लूँ कि ये इंडोर और आउटडोर दोनों प्लांट है। इसका ध्यान आपको रखना है कि ये इसके पत्ते आपको नीचे की तरफ के निकाल लेने हैं और इसके बाद लगाने हैं। और ये काफ़ी भारी होता है इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़े स्टैंड भी देने पड़े। तो इसको इंडोर आउटडोर दोनों आप रख सकते हो। यहाँ इसके पत्ते बहुत करीब में हैं तो इसके पत्ते को मैं यहाँ से रिमूव कर लेती हूँ और इस पत्ते को भी मैं लगा दूँगी, वो भी प्लांट बन जाएंगे। तो इसको आप आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं, बाहर में लगा सकते हैं, खास करके हैंगिंग पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पानी मैंने इसमें पहले ही डाल दी है ताकि पानी बाद में न के बराबर भी डाली जाए तो कोई बात नहीं है। दोस्तों, इसको सप्ताह में एक आध बार पानी दे देना ही काफ़ी होता है।
और रह गई बात फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र इसको कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। वैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र चाहो तो दे सकते हो। ये इतना बड़ा होता है, इतना बढ़ता है कि सबसे मेन आपको इसकी प्रूनिंग करनी ही होती है। इस ये जब काफ़ी बड़ा हो जाए तो इसकी प्रूनिंग कर देनी है, और ये जो पत्ते निकले हैं इनको इसमें हल्का सा केवल टच कराना है, अंदर इसको दबाना नहीं है। तो दोस्तों इसमें चूंकि पानी मैंने पहले डाल दी है, इसलिए हल्की फुल्की इसकी पानी की छिड़काव कर सकते हैं। ज़्यादा पानी इसमें नहीं देनी है। दो चीज़ इसमें क्या रखने वाली बात होती है, एक तो पानी आप इसको रुकनी नहीं चाहिए, अच्छी आपको सॉइल रखनी है, ड्रेनेज अच्छी हो, पानी निकल जाए, और दूसरी बात आपको है कि जब ये काफ़ी बड़ा हो जाए तो इसकी कटिंग प्रूनिंग करती रहनी चाहिए। और लगाने का बात मैं आपसे कर ली, शेयर कर ली कि इसको जब चाहे आप निकाल सकते हो, जब चाहे आप कटिंग लगा सकते हो, ये आसानी से लग जाएगा, यहाँ तक कि पत्ते से भी ये लग जाएगा। और जब इसकी कटिंग को आप लगाएं तो आपने देखी है 1.5 से 2 इंच तक इसके डंठल को नीचे दबा देनी है, और एक बात का ख्याल रखना है कि कोई भी पत्ते इसमें अंदर ना जाए। इसको आप कोकोपीट में भी लगा सकते हो, और कोकोपीट में लगा सकते हो, ऐसे लगाने को तो इसको सॉइल में भी लगा देने पड़े, लग जाता है, मैंने देखा है इसको जहाँ लगा हुआ था ये सॉइल में ही लगा हुआ था। खैर चलिए, तो इसका केयर में आप इसकी केयर करें, और बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं आपको करनी है। अब इसको लगाने के बाद इसको छाए वाली जगह में रख देनी है। ऐसे मैंने इसको हैंगिंग पॉट में बनाए हैं, और छाए वाली जगह में ही मैं इसको रखूँगी। तो इसी के साथ मैं आज आप लोगों को से विदा ले रही हूँ। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।